एमडीयू कैंपस न्यूज़ के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा कॉलेज एडमिशन के लिए जो ओपन काउंसलिंग है वो आज की जाएगी, आज 29 सितंबर को। तो जो भी स्टूडेंट ओपन काउंसलिंग में भाग लेना चाहता है वो आज कॉलेज के अंदर जाए। दोस्तों, इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट के सवाल थे, वो उसमें से एक मुख्य सवाल ये था जिसका जवाब नहीं था, वो नोटिस आने के बाद ही मिल पाया है। दोस्तों, वो सवाल था कि क्या किसी स्टूडेंट का पहले किसी कॉलेज में दाखिला हो चुका है फर्स्ट सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर, तो क्या वो ओपन काउंसलिंग में भाग ले सकता है। दोस्तों, इस सवाल का जवाब है हाँ, वो भाग ले सकता है। इसका प्रोसीजर ये रहेगा दोस्तों, जैसे बाकी स्टूडेंट से भी जो ओपन काउंसलिंग में भाग लेंगे अपना फॉर्म एडिट करके, उसी तरह वो स्टूडेंट भी जिस कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ है जिस कोर्स में, उससे अलग कोर्स और कॉलेज के अंदर जो वो अप्लाई करके फॉर्म भर के एडिट करके अपना फॉर्म को वो काउंसलिंग में भाग ले सकता है। दोस्तों, जैसे ही वो स्टूडेंट अगर ओपन काउंसलिंग में भाग लेने के बाद उसका नाम आता है काउंसलिंग के अंदर मेरिट लिस्ट के अंदर और उसकी फ़ीस कट जाती है, तो उसकी फ़ीस कटते ही जो उसका पिछला कॉलेज था जो फर्स्ट सेकेंड मेरिट लिस्ट के अंदर उसको मिला था, उससे ऑटोमेटिक उसका जो एडमिशन हो कैंसिल हो जाएगा। और जो फीस रिफंडेबल है दोस्तों, फीस रिफंड है जो उसकी पिछले कॉलेज से, उसके लिए आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। उस फीस रिफंड का फॉर्म होता है, उसको आपको भर के कॉलेज के अंदर जमा कराना पड़ेगा, जिसके बाद आपकी फ़ीस रिफंड हो जाएगी। दोस्तों, ये ज़रूरी बात थी। इसके अलावा और भी दो तीन ज़रूरी बात है जो मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, वो ज़रूरी बात ये है कि जो स्टूडेंट कल तक ये सवाल कर रहे थे कि पोर्टल नहीं खुला है, उनके लिए आवश्यक मतलब कि सूचना ये है कि पोर्टल खुल गया है। आप DHE की साइट पे जाके पोर्टल जो नए स्टूडेंट हैं वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो पुराने स्टूडेंट हैं वो फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। दोस्तों, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, अपने जो फीस है वो लेके आज सुबह 9 बजे से लेकर और जो 12 बजे तक कॉलेज के अंदर जाएं, इस समय आपका फॉर्म जमा कराए जाएंगे, अटेंडेंस होगी आपकी, उसके बाद कॉलेज मेरिट लिस्ट जारी करेगा। दोस्तों, ये आज की प्रोसेस है। अगर आज शाम तक भी कोई सीट बचती है कॉलेज के अंदर तो कल फिर वो बता दिया जाएगा आपको कि कितनी सीट है, कल फिर से यही प्रोसीजर रहेगा। दोस्तों, जब तक सीट पूरी नहीं होगी, ओपन काउंसलिंग हर दिन चलती रहेगी, हर दिन जो वैकेंट सीट है उनको डिस्प्ले किया जाएगा, उनको बताया जाएगा और नेक्स्ट दिन उनके ऊपर ओपन काउंसलिंग की जाएगी। दोस्तों, ये पूरा प्रोसीजर है ओपन काउंसलिंग का, और पिछली वीडियो में मैंने सूचना दी थी तो इसमें एक सवाल था, इसलिए वीडियो बनानी पड़ेगी। और इससे अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पिछली वीडियो में मैंने नंबर भी दिया है अपना, तो आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, MDU कैंपस न्यूज़ से जुड़े रहिए, इसी तरह आपको सूचनाएं मिलती रहेंगी MDU और हरियाणा जो एजुकेशनल न्यूज़ हैं उससे संबंधित। दोस्तों, MDU कैंपस न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।